आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 58 साल बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक गुजरात में। प्रियंका बोली, इस बार कांग्रेस की सरकार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को दिया तगड़ा झटका। कांग्रेस के साथ यूपी ही नहीं, देश में कहीं भी गठबंधन नहीं। राहुल का बयान बना जी का जंजाल। आतंकी अजहर मसूद को जी कहने पर हर तरफ आलोचना। कंप्यूटर बाबा की कांग्रेस को नसीहत, धर्म के साथ नहीं चले तो कान पकड़कर फेंक देंगे। और बाबूलाल गौर की दिल्ली देखने की इच्छा, लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक 58 साल बाद गुजरात के गांधीनगर में हुई। बैठक में यह तय किया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन से जुड़ी सारे फैसले राहुल गांधी लेंगे और उनका फैसला अंतिम होगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, नवनियुक्त महासचिव प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व कई दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सबकी निगाहें प्रियंका गांधी पर टिकी रहीं। बैठक के पहले सभी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विजिटर्स बुक में राहुल गांधी ने लिखा, बहुत ही प्रेरणादायी जगह, हमारे नेता की लौ जीवित रखने के लिए धन्यवाद। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम पहुंचे। यहां दांडी मार्च की वर्षगांठ पर प्रार्थना सभा हुई जिसमें सभी ने हिस्सा लिया और इसके बाद बैठक शुरू की गई। कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक के बाद गांधीनगर में जय किसान जय जवान के बैनर तले जन संकल्प रैली का भी आयोजन किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार कांग्रेस सरकार ही बनेगी। बता दें कि प्रियंका गांधी पहली बार इस बैठक में शामिल हुई हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि इस समय लोगों को यूपीए सरकार की उपलब्धियां बताने की जरूरत है। मौजूदा मोदी सरकार झूठा प्रचार कर रही है। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था गिर गई। वहीं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि राष्ट्रीय हित के साथ समझौता कर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी खुद पीड़ित बनने की कोशिश करते हैं लेकिन असली पीड़ित देश की जनता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए ऐलान किया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ यूपी ही नहीं देश में कहीं भी गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बसपा के साथ तालमेल हो सकता है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के सभी प्रस्तावों को सिरे से खारिज करते हुए किसी भी किस्म के गठबंधन से इनकार कर दिया है। प्रियंका गांधी के 14 मार्च से होने वाले यूपी दौरे से पहले मायावती ने यह ऐलान किया है कि बहुजन पार्टी कांग्रेस के साथ यूपी ही नहीं देश में कहीं भी गठबंधन नहीं करेगी। यूपी में कांग्रेस के लिए महज 2 सीट छोड़ते हुए सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया था। हालांकि अखिलेश यादव कहते रहे कि कांग्रेस भी उनके गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन मायावती ने ताजा फैसले से साफ हो गया है कि अब कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की फिसलती जुबान हर बार राहुल के जी का जंजाल बन जाती है। राहुल गांधी के मुंह से निकले शब्द एक नया सियासी बवाल खड़ा कर देते हैं। पहले आलू से सोना बनाने की बात, तो अब पुलवामा आतंकी हमले का जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद का मुखिया आतंकी मसूद अजहर को जी कहना राहुल गांधी को बहुत ही महंगा पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर राहुल अपने इस बयान के कारण घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव के विरोधी पार्टियों ने भी इससे बड़ा मुद्दा बनाकर भुनाना शुरू कर दिया है। वैसे तो राहुल गांधी मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, मगर उल्टा ही हो गया। जी कहकर वे खुद ही घेरे में आ गए हैं।
पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जी बोला है। राहुल गांधी ने मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है। इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए भाजपा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को जी बोल दिया। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राहुल के इस बयान को शेयर किया गया है। भाजपा के ट्विटर में लिखा गया है, देश के 44 वीर जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना के लिए राहुल गांधी के मन में इतना सम्मान। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। तत्कालीन केंद्र की भाजपा सरकार ने इस आतंकी सरगना को पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इसमें शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर अपने चुनाव लड़ने के संकेत को साफ कर चुके हैं। गौर ने कहा, मुझे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच पर बधाई देकर कहा था कि एक बार और बाबूलाल गौर, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे मौका देगी। गौर ने कहा कि लगातार 10 बार विधानसभा में रहा हूं, अब दिल्ली देखने की इच्छा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मिलने और कांग्रेस में शामिल होने की बात और विचार करने पर उन्होंने जो कहा था उस पर गौर ने कहा कि संगठन महामंत्री रामलाल ने मेरी क्लास ली, बोले ऐसे कैसे जाओगे, पार्टी का जो भी फैसला हो हमें मान्य होगा, लेकिन उम्मीद है कि टिकट मुझे जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि गौर के निवास पर पहुंचे पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और गौर दोनों के बीच 10 मिनट तक चर्चा हुई। चर्चा के बाद गौर बोले, लोकल व्यक्ति को ही भोपाल से लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए, जिस पर उमा शंकर ने भी सहमति जताई। कहा, पार्टी मौका देगी तो मैं भी भोपाल से चुनाव लड़ूंगा। उमा शंकर गुप्ता ने कहा, कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती आई है। राहुल के आतंकवादियों को जी कहने पर बोले, आज भी जी कहकर आतंकियों को संबोधित करती है कांग्रेस की पार्टी। पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा और नए नदी न्यास के अध्यक्ष एक बार फिर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में हैं। कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस को बड़े ही कड़े रुख में हिदायत देते हुए कहा, हम 5 साल देखेंगे, धर्म के साथ सरकार चली तो ठीक, नहीं तो कान पकड़कर नीचे फेंक देंगे। नदी न्यास के अध्यक्ष बने कंप्यूटर बाबा को मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा शिप्रा और मंदाकिनी नदी के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद कंप्यूटर बाबा होशंगाबाद पहुंचे और मां नर्मदा का पूजन करने के बाद बाबा ने कमलनाथ और राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध दिए। बाबा ने एयर स्ट्राइक और राम मंदिर पर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। साथ ही साथ बाबा ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी नसीहत दे डाली। बाबा ने नदी में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए गाँव गाँव में समितियां बनाने की बात भी कही। जब नर्मदा की बात आई और तो बराबर हमने शिवराज सरकार का साथ दिया, पर शिवराज सरकार ने अवैध खनन नहीं रोकने दिया तो बताइए हम क्या करें। हमें तो नर्मदा को बचाना है और नर्मदा इन्होंने बेच खाए, इन्होंने मंदिर को मठ मंदिर को खा गए इन लोग। ये जो है हमारे शिवराज जी जो हैं, इन्होंने गौ माता की नितंत हत्याओं का जो हमने सिलसिला देखा है, हमसे सहा नहीं गया है। इसलिए ऐसी धर्म विरोधी सरकार से हमने इस्तीफा दे करके और हमने कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस पर हमने विश्वास जताया है और हमने कहा है, संत समाज ने कहा है कि 5 साल हम कांग्रेस को भी देखेंगे, यदि धर्म से चलेगी तो कांग्रेस को रखेंगे, अन्यथा इनका भी कान पकड़ के नीचे कर देंगे। कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नर्मदा नदी से अवैध रेत उत्खनन रोकने में बाधा उत्पन्न की थी, इसीलिए उनका साथ छोड़ दिया। हमने कांग्रेस पर विश्वास जताया है, हम 5 साल देखेंगे, धर्म के साथ सरकार नहीं चली तो कान पकड़ कर नीचे फेंक देंगे। शिवराज सरकार में मंत्री पद और कमलनाथ सरकार में अध्यक्ष पद पर उन्होंने कहा कि हम मंत्री और अध्यक्ष नहीं है, हमें नर्मदा की सेवा करना है, नर्मदा का काम हमें मिला है, संत समाज को नर्मदा का काम मिला है, अवैध उत्खनन रोकेंगे, वही हमारी मां है, पद का ज्ञान नहीं है, हमें नर्मदा चाहिए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज़।
देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसी दर्जे को कायम रखते हुए डॉक्टरों ने एक अच्छी शुरुआत की है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सैनिकों की शहादत में डॉक्टरों ने संकल्प लिया है कि जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है उन सभी फौजी और उनके परिजनों का इलाज फ्री में करेंगे। डॉक्टरों के संगठन ने यह तय किया है कि वह सभी डॉक्टर देश के फौजी और उनके परिजनों का इलाज फ्री में करेंगे। इसके लिए डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक में नोटिस भी चिपका दिए हैं, जिसमें साफ लिखा है कि किसी भी सैनिक को डॉक्टर के परामर्श लेने पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और कुछ डॉक्टरों ने सैनिकों को निःशुल्क दवाइयाँ देने की बात भी कही है। डॉक्टरों के ऐसा करने से सैनिक और उनके परिजन भी बहुत खुश हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर का यह अभियान जो सैनिकों के लिए शुरू किया गया है वह काबिले तारीफ है। अंतर मन से हमारे डॉक्टर्स के बीच में एक विचार आया कि भाई हम क्यों नहीं इनके लिए, जब ये हमारे लिए इतने समर्पित हैं तो हम क्यों नहीं इनके लिए भी कुछ सेवाएं दें, जिसमें हम इनको निशुल्क इलाज जीवन भर, जब तक वो हैं, जब तक वो हमारे साथ हैं, हम उनका जीवन भर इलाज फ्री करें। और इनमें हम लोगों ने खासकर उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके माता पिता को इंक्लूड किया है जो कि उनके साथ हैं, और उनको हम निशुल्क इलाज तो करेंगे ही, और भविष्य में अगर हमको लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी भी फीस हम आधी ही 50% कंसेशन में करेंगे। हम हवलदार हैं फौज में, हवलदार रैंक होता है उसमें है, और अपना 6 साल नगर छतरपुर में वहाँ पे निवास हम लोगों का। अभी आप कहाँ सेवाएं दे रहे हैं, कहाँ ड्यूटी आपकी लगी हुई है? अभी हम सेवाएं कर रहे हैं लेह लद्दाख में। ये तो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, अगर डॉक्टर साहब हमारे लिए या कोई ऐसा कोई भी पहल करता है तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को कि कोई मतलब हम लोगों के बारे में सोच रहा है। ये यहाँ पहल की गई है कि कोई भी डॉक्टर्स जो है परामर्श फीस नहीं देगा, और कोई भी पैथोलॉजी कल के जो हैं वो जांच की फीस नहीं लेंगे, तथा चाहे तो उसमें आधी फीस लेने का निर्णय जो समाज सेवियों ने सबने किया है मिलकर, ये बहुत सराहनीय है, हम इसकी सराहना करते हैं। खंडवा जिला मुख्यालय पर एक दंपति ने आला अधिकारियों व पुलिस की मौजूदगी में सल्फास खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस दंपति को लंबे समय से नियमित किए जाने का आश्वासन मिल रहा था, लेकिन जब इन्हें नियमित नहीं किया गया तो मजबूरन इन्होंने ये कदम उठाना पड़ा। खंडवा की यह घटना प्रशासन की लापरवाही और अड़ियल रवैये की दास्तान है। पति सुंदरलाल पुआरे और पत्नी रश्मि पुआरे लंबे समय से खुद को नियमित करने की मांग को लेकर ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इस दंपति की बात जब नहीं सुनी गई तो इन दोनों ने सहायक आयुक्त नीलेश रघुवंशी और TI BS मंडलोई के सामने ही सल्फास खा लिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों, कर्मचारियों व पत्रकारों ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन इन दोनों ने
सबसे बचते हुए भागकर सल्फास की गोलियां लेकर ली। इस दौरान दोनों पति पत्नी बिलख बिलख कर रो रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि गोलियां निगलने के बाद पत्नी रश्मि पुवारे बेहोश हो गई। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बाकी कर्मचारियों को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कमलनाथ सरकार के मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज कहा और दावा किया कि अब देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि प्रदेश और देश में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है और यह अच्छी स्थिति बहुमत प्राप्त करवाएगी। ओमकार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज बताते हुए कहा कि भाजपा का घमंड इस बार टूटेगा। पूरे भारत देश के अंदर स्पष्ट हो गया है कि अब किसको उन्हें अपना विश्वास देना है। एक तरफ जुमलेबाज है और दूसरे तरफ शहादत की राह पे चलने वाला गांधी परिवार का चिराग है। तो देश के पूरे जनमानस इस बात के स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। अब तो इस देश को सहेज के रखने के लिए जिस तरह से गांधी परिवार ने हमेशा अपना जीवन को भी दांव में लगाया, जिसमें इंदिरा जी, राजीव जी, स्पष्ट रूप से पूरे देश के लोग उन्हें स्मरण करते हैं और समझते हैं। तो अब तो जुमलेबाज नहीं चलेगा, अब तो विश्वास के साथ देश के लिए समर्पित काम करने वाले राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस द्वारा उल्लंघन को लेकर जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि सुकमा पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण करके और नेशनल हेराल्ड को सरकारी विज्ञापन देकर आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, जिस कारण प्रशासनिक अमले में भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। अमित जोगी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए कड़ी कार्यवाही की मांग की है। अमित जोगी ने चुनाव आयोग को 10 मार्च से लागू आचार संहिता का हवाला देते हुए कांग्रेस की प्रदेश सरकार द्वारा उसका खुला उल्लंघन किए जाने की बात कही है। जोगी ने कहा, ऐसा लगता है कि प्रदेश में भारत के संविधान और कानून का राज नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विशेष की हुकूमत चल रही है। इसके दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। पहला, आचार संहिता के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए राज्य शासन के एक मंत्री के दबाव में अति संवेदनशील सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक का तबादला पुलिस मुख्यालय रायपुर कर दिया गया। इससे निश्चित रूप से बाकी अधिकारियों में भी प्रशासनिक भय और आतंक का वातावरण निर्मित हो चुका है, जो चुनाव की निष्पक्षता के लिए घातक सिद्ध होगा। दूसरा, कांग्रेस से संबद्ध दैनिक अखबार नेशनल हेराल्ड को बतौर विज्ञापन राज्य सरकार के द्वारा 50 लाख की राशि दी गई है। इस अखबार का ना तो छत्तीसगढ़ में कोई वर्चस्व है और ना ही कोई कार्यालय। ऐसा केवल अपने राजनीतिक दल को जनता के पैसों से फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सामान्य तौर पर बंदर और कुत्ते की कम ही पड़ती है, लेकिन एक कुतिया ने बंदर के बच्चे पर ममता लुटा दी। बंदर का बच्चा भी ऐसा कि कुतिया को छोड़ता ही नहीं है। ये नज़ारा है होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा का। सिवनी मालवा के कांसखेड़ी गांव में जंगल से भटक कर एक बंदर का बच्चा आ गया। कुत्ते उसे अपना शिकार बनाते कि एक पीले रंग की कुतिया ने उसे बचा लिया। डरा हुआ बंदर का बच्चा कुतिया से चिपक गया और कुतिया की ममता भी जाग गई। भूखा बंदर कुतिया का दूध पीने लगा। बस यही से दो जानवरों के बीच एक अनोखा रिश्ता कायम हो गया। अब आलम यह है कि जहाँ कुतिया जाती है वहीं बंदर का बच्चा जाता है। अधिकांश समय तो छोटा बंदर कुतिया की पीठ पर लटका रहता है। बीते दो महीने से कुतिया इस बंदर को पाल पोस रही है। ये तकरीबन दो महीने हो गए इनको। ये कहीं से आई थी, झुंड से बिछड़ गई थी ये बंदर का बच्चा जो भी है, और ये कुतिया से मिली और इनका आपसी जो भी हो गया हो तो वो बिल्कुल माँ बेटे सर ही रहते हैं और वो उसी का दूध पीती है जब छोटी थी। अब तो खैर खाने लगी है साथ में, दोनों खाते भी हैं, साथ रहते हैं, घूमते हैं, कहीं भी जाना हो आप साथ ही जाते हैं। जाए तो हम दो महीना से देख रहे हैं। अब जो कमाल होते हैं लोग कतला इस तन से आओ तो पाल होते कि मतलब सही दे रहा है। अब जो दो महीना से आया कहीं कहाँ से आया, अब जब भगवान जान का खा रहा है। भैया हो गया इनको कम से कम महीना डेढ़ महीना हो गया, दो महीना करीब है जब से आया। जब से ये देख रहे हैं कुतिया की दूध पीता उसी के साथ रहता है। जहाँ आते हैं कभी रोटी पानी डाल देते हैं हम लोग, हमारे पास ही रहते हैं, कहीं परेशान नहीं करते उसको। नन्हे बंदर और कुतिया का एक साथ रहना स्थानीय लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्रामीण बताते हैं कि दो माह पहले ये बंदर जन्म के बाद झुंड से अकेला भटक कर यहाँ आ गया था। जब कुछ आवारा कुत्ते उसके पीछे पड़े तो इस कुतिया ने उसे बचा लिया। अब कुतिया इस बच्चे की माँ भी है और रक्षक भी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने झारखंड में बंधक बनाए गए अपने मजदूरों को सकुशल छुड़वाकर उनके घरों तक पहुंचा दिया है। इन लोगों को काम दिलवाने के लिए ले जाया गया था और ईंट भट्टे पर बंधक बना लिया गया था। बिलासपुर के मस्तूरी के 17 मजदूर परिवार 6 माह तक रांची के ईंट भट्टे में बंधक रहे। उन्हें जांजगीर का एक ठेकेदार गुमराह कर रांची ले गया था। उसके चंगुल से छूटने के बाद मजदूरों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये मजदूर पिछले 6 माह से बंधक बनकर काम कर रहे थे। बिलासपुर पहुंचने पर इन मजदूरों ने बताया कि वहां पर बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर खरसिया पुलिस ने झारखंड के टाटा नगर से 35 मजदूरों को छुड़वाकर सकुशल खरसिया ले आई। गांव के ही एक दलाल ने ईंट भट्टे में अधिक मजदूरी मिलने का लालच देकर ग्रामीणों को झारखंड ले गया था। वहां मजदूरों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी और उन्हें पैसा भी नहीं दिया गया। इंदौर में सिग्नल तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। शहर के 28 चौराहों पर लगे रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम कैमरों की पकड़ में आने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने 6 माह में 6 बार से अधिक सिग्नल जम करने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए RTO को भेज दिए हैं। वहीं कमर्शियल वाहन के परमिट भी निरस्त किए जाएंगे। इससे पहले भी ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने और मोबाइल पर बात करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। पिछले दिनों SSP रुचिवर्धन मिश्र ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की बैठक लेकर सिग्नल जंप करने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए थे। पुलिस अधिकारियों ने ऐसे 152 वाहन चालकों की लिस्ट बनाकर RTO को सौंपी है। अब इनके लाइसेंस RTO द्वारा निरस्त किए जा रहे हैं। इसके बाद ये वाहन चालक 1 साल तक नया लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे। बड़े वाहनों पर कार्यवाही करते हुए अगस्त 2018 से जनवरी 2019 तक रेड लाइट का उल्लंघन करने वाली 27 बसों की सूची भी RTO को भेज दी गई है। इनके भी परमिट निरस्त किए जाएंगे। इसी अवधि के दौरान नियमों के उल्लंघन करने वाले 142 कमर्शियल वाहनों के परमिट भी निरस्त करने के लिए RTO को पत्र लिखा गया है। पिछले कुछ सालों से पुलिस अब तक 2000 से अधिक लाइसेंस RTO को भेज चुकी है। इनके लाइसेंस 3 माह से लेकर 1 साल तक के लिए निलंबित और निरस्त किए जा चुके हैं। निलंबित होने वाले लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद RTO से वापस मिल जाते हैं, जबकि निरस्त किए गए लाइसेंस फिर से बनवाने पड़ते हैं। इधर रविवार शाम से आचार संहिता लगते ही पुलिस अधिकारी हरकत में आ गए हैं। पुलिस ने हुटर लगे वाहनों की चेकिंग भी शुरू कर दी है। इसके अलावा गलत नंबर प्लेट लगे वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देश की आजादी के 72 साल बाद भी देश के कुछ कोने अंधकार से भरे हुए हैं, जिनमें आज तक बिजली के तार नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जहां बिजली के तार ही नहीं पहुंचे, वहां बिजली का बिल पहुंच गया है। अब आप इसको सरकारी लापरवाही कहें या यूं कहें कि सूरज की प्राकृतिक रोशनी के बिल भी घरों में आने लगे हैं।
आज जहां देश में डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है, वहीं देश के कुछ हिस्सों में बिजली तक नहीं पहुंच पा रही। विकास गांव से कोसों दूर है, आज भी लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। यह गजब घटना नरसिंहपुर के विकासखंड चीचली के पास एक गांव की है। यह क्षेत्र होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। यहां वर्तमान सांसद भाजपा के राव उदय प्रताप सिंह हैं। गांव में आलम यह है कि बच्चे चिमनी के सहारे अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नेता मन से बड़े बड़े दावे और भाषण देते हैं, वादे और दावे सब झूठे साबित हो रहे हैं। चिचली विकास खंड लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया है और ना ही किसी प्रकार का मीटर या बिजली नसीब हो पाई है, लेकिन पावर कॉरपोरेशन 7 से 8 महीने से बिल भेज रहा है। अभी खेम तलैया का जो आपने अभी शिकायत अभी आई है, इस संबंध में हमने अपने जेई से भी जानकारी ली है। तो एक्चुअल में ये वार्ड क्रमांक 11 है, चिचली का नगर परिषद के एरिया में आता है। अभी वर्तमान में वहाँ क्या है कि कृषि के लिए जो लाइट 10 घंटे उपलब्ध है, उस एरिया में भी वही लाइट उपलब्ध है, संभवतः जिस वजह से उसको रात में लाइट मिलने से लोगों को परेशानी चल रही है। और वो 10 घंटे जो विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमको जो अपन मिनिमम MPRC का रूल 50 यूनिट का बिल जो रहता है मिनिमम, उसी का कर रहे हैं। और ये वार्ड क्रमांक 11 का जो विद्युतीकरण का कार्य है, जो कि बढ़िया एज पर रूल जो विद्युतीकरण अपना होना चाहिए, उसका कार्य एक्चुअली NTPC के माध्यम से नगर परिषद को कराया जाना है। उसका हमने उनको एस्टिमेट प्राक्कलन बना के दे दिया है। संभवतः नगर परिषद से भी बात हुई थी तो उनको अभी राशि का आवंटन नहीं हुआ था, जिस वजह से वो मिल नहीं पाई है। लेकिन ये क्या है कि 1-2 महीने की प्रक्रिया में ये कार्य हो जाएगा और उनको पूरी 24 घंटे बिजली मिलना चालू हो जाएगा। गांव वालों की माने तो किसी योजना के तहत यहां पर बिजली वाले आए थे और गांव वालों से फॉर्म भरवा कर दस्तावेज जमा कर लिए गए थे। बिजली कर्मचारियों ने कहा था कि जल्द ही कनेक्शन दे दिया जाएगा। 7 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी को भी बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया है। बिजली कनेक्शन तो दूर गाँव में पोल व तार तक नहीं लगाए गए हैं। गजब की बात तो ये है कि घर में एक बल्ब तक नहीं जल रहा, लेकिन पिछले 7 महीने से घर पर बिजली का बिल जरूर आ रहा है। कई बार की शिकायत की जा चुकी है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सांसद सुंदरलाल तिवारी का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी ने पिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। सुंदरलाल तिवारी के पार्थिव शरीर को प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने उनके गृह ग्राम तिवनी मनगवा पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल, जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा, पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, हनी सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। सुंदरलाल तिवारी की अंतिम यात्रा करीब 10 बजे गृह ग्राम तिवनी के लिए रवाना हुई, जहां जगह जगह श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ था। लाखों लोगों ने नम आंखों से अपने नेता की विदाई दी। इसके बाद हिंदू रीति रिवाज से सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। चिता पर अग्नि देते ही पूरा विंध्य फफक फफक कर रो पड़ा। सुंदरलाल जी तिवारी की शख्सियत, अपने पिता तिवारी लीडर, निर्भीक स्पष्ट वक्ता और घोर राजनीति, कभी सोचा भी नहीं था कि पिता और पुत्र लगभग 1 वर्ष के अंदर ये इस परिवार से मेरे गहरे संबंध थे। ये आदरणीय तिवारी जी जिंदा थे, वो हमें अपना पुत्र कहा, तीसरा पुत्र, तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी इतनी निकटता इस परिवार से थी। स्वाभाविक है, सुंदरलाल जी के न रहने से मेरे भाई समान थे, छोटे भाई बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा तो ये रिक्तता संभाग की राजनीति में आई है। रीवा जिले में पूरे विंध्य में ये पूरी करना मोस्ट पॉपुलर शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के विनर की घोषणा हो चुकी है। इस सीजन में आदित्य को हराकर पुनीत पाठक ने खतरों के खिलाड़ी 9 का खिताब जीत लिया है। पुनीत को इनाम के रूप में 20 लाख रुपए और साथ ही मारुति की एक शानदार कार भी दी गई है। अक्षय कुमार भी फाइनल का हिस्सा बने। रोहित शेट्टी के साथ मिलकर उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिनाले में भारती ने भी कॉमेडी का खूब तड़का लगाया। आपको बता दें, पुनीत टॉप 3 फाइनलिस्ट में शामिल हुए।
उनके साथ आदित्य नारायण और रिद्धिमा पंडित भी फाइनल में पहुंचे थे। रविवार को शो फाइनल में आखिर में आदित्य नारायण ने पुनीत को काफी कड़ी टक्कर दी थी, मगर पुनीत ने टास्क काफी जल्दी खत्म कर लिया और इस वजह से खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के विनर का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 जीतने के बाद पुनीत पाठक ने कहा, मेरे लिए इतना आसान नहीं था। यह जीत सिर्फ मेहनत, फोकस, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के कारण हुई है। यह खतरों का एक ऐसा शो है जो अपने कंटेस्टेंट को उनके डर का सामना करने और उनसे उबरने का निर्देश देता है, उनके आत्मविश्वास को हैरानीजनक तौर पर बढ़ाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 के लिए यहां राष्ट्रपति भवन में पद्मभूषण और पद्मश्री पुरस्कारों को प्रदान किया। अभिनेता व डांसर प्रभु देवा, दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर और उद्योगपति जॉन चैम्बर्स पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में शामिल रहे। पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किए गए। इस साल गणतंत्र दिवस पर 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री सहित 112 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। पुरस्कार पाने वालों में 21 महिलाएं, 11 विदेशी, एक ट्रांसजेंडर के शामिल होने के साथ 3 को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिलेगा। इनमें एक्टर कादर खान का नाम भी शामिल है। कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा आदि में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा मत। हाजिर है आपके लिए जर्जर भोपाली भैरण समाचार के साथ। नमस्कार, भैरण समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। और भैया, चुनाव की घोषणा हो गई है और नेता तो ऐसे भैरण लगे। बता रहा हूँ, कल एक नेताजी रात में ही ना उठ के अपने पत्नी के पैर छूने लगे, बोले वोट दो। रात में ही ये होने लगा है, बता रहे ऐसे ऐसे वेराने लगे नेता। ये एक भाई साहब उठ के ना रात में भाग लिए, वो वहाँ पहुँच गए अपनी पार्टी कार्यालय, बोले टिकट दो। नींद में ऐसे घूमते हुए बता रहे हो, ये ऐसे ऐसे वेरान लगे ये लोग। हाँ, ये होने वाला है। और बता रहे हो, जो मांगना है मांग लो इनसे। इस समय अब चुनाव आ गया है, जो मांगना है मांग लो। दारू की बोतलें जितनी मांगना है, जो पैसा वगैरह मांगना है, जो लिस्ट बना लो एक, क्योंकि अभी ये दे देंगे फिर बाद में पकड़ में नहीं आए। वो बता रहे हो, चुनाव ने ये 7 चरणों में होने वाला है। और चुनाव ये चरणों में क्यों होता है पता है तुम्हें? चरणों मतलब होता है कि पहले ये आएंगे तुम्हारे चरण छुएंगे, वोट दो। अरे उसके बाद क्या है, ये चुनाव ख़त्म हुआ फिर तुम इनके चरण ढूंढते फिरना। हाँ, फिर इनके चरण नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है। एक भैया अभी कुछ दिन पहले एक बेहतरीन किस्म का कांड हुआ, जूता कांड मालूम है? वो सांसद महोदय ने 4 सेकंड या 5 सेकंड में 7 बार जूते ढबा ढब मार दिए विधायक को। तो ये तो चल रहा है, बता रही हूँ। वो उसमें क्या है, मोदी जी का कहना है, मित्र हमने जूते को मजबूत किया है, जूता मजबूत होगा तो बूथ भी मजबूत होगा, बूथ की जगह वोट मजबूत हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे बताओ ना, जूते की फैक्ट्रियाँ खुलेंगे, नया स्टार्टअप होगा, मजबूत जूते बनेंगे, होगा कि नहीं होगा? इस पर राहुल गांधी का कहना है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए भैया, ये सरासर अन्याय है भैया, केवल जूते मारे उन्होंने, चप्पलें भी मारना चाहिए था भैया, ये अन्याय है चप्पलों के साथ। हाँ भैया, ये अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चप्पलों को भी महत्व देना चाहिए भैया। ये तो जल गया है भैया। और मैं बता रहा हूँ, ये जो चुनाव में खड़े होंगे नेता, इनको अपना है ना आपराधिक रिकॉर्ड देना पड़ेगा, 3 विज्ञापन देने पड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ, 3 विज्ञापन होगा क्या? इनके भैया अपराधों के रिकॉर्ड बहुत बड़े बड़े हैं, कई मर्डर किए हैं, कईयों ने कुछ किए है, ये तो इसे आसान थोड़ी है इतना। और एक समाचार ये सुन लो भैया, कमलनाथ सरकार युवाओं को है ना बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रही है भैया। वही ट्रेनिंग सीख के बैंड बजाएंगे धपा धप पी 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 पी। और मैं बता रहा हूँ, कितना कंपटीशन हो जाएगा बैंड वालों में, ये बहुत सस्ती मिलने लगेंगी। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, ये जैसे इनको बैंड बजाना सिखा रहे हो, अभी आ रहे हैं चुनाव, अब देखते हैं किसका बैंड बजाती हैं, ये तो भाई चुनाव में पता लगेगा। हाँ, और ये खबर इधर पे देख लो, ये हार्दिक पटेल है ना जो, ये कांग्रेस में शामिल हो गए। और मैं बता रहा हूँ, ये पटेल इनके आरक्षण के लिए इतने आंदोलन किए, इनको इकट्ठा किया, पटेलों को मूर्ख बनाया, बता रहे हो अक्षर तो मिला नहीं उनको, ये तो है ना, इनको है ना कांग्रेस में जगह मिल गई, इनको बनना था नेता और बन गए। और
अडेल अडेल जाए भाड़ भी है, इनकी नेतागिरी चलेगी। ये तो ऐसा तो हो रहा है बता रहे हो, ये सब चल गया है। और मैं भैया जा रहा हूँ कोई पार्टी वार्टी देखता हूँ, चुनाव आ रही है, कोई सांसद वगैरह का टिकट मुझे भी मिल गया, क्या मैं यहीं बैठा रहूँगा? हाँ, वो आप लोग भी देखो, ट्राई तो करना चाहिए। हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।